जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज के चरणों में ये सेवक का अनुगत प्रणाम। मंचासीन और मंच के सम्मुख समस्त साधु संत वैष्णव वृंदा के चरण में प्रणाम। आदरणीय मोहन भागवत जी आज के इस सभा के मुख्य अतिथि और मंचासीन समस्त अतिथिवृंद भक्तवृंद, जैसे हम सबको बताया गया है विशेष रूप से आज का ये सुबह का क्षेत्र में अनादि काल से परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान चतुर्धा रूप में इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजित हैं और उनके अभिन्न अंग स्वरूप मां विमला। तो ये जगन्नाथ जी का आदि पीठ है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का, और भगवती आदि शक्ति विमला जी का, उभय का ये है पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि पीठ मूल पीठ। असंख्य हजारों साल के बाद एक समय आया कि इस पुरुषोत्तम क्षेत्र से चतुर्धा विग्रह अदृश्य हो गए, चले गए और 144 वर्ष के बाद भगवत पाद आदि शंकराचार्य के पवित्र आगमन से उस वक्त जो यहाँ पे सम्राट थे, नरेश थे, उनको उन्होंने आदेश दिया, परामर्श दिया और पुनः चतुर्धा विग्रह का जगन्नाथ मंदिर, ये जगन्नाथ मंदिर के पूर्व जो मंदिर बना उसमें स्थापना हुआ और विमला जी का भी श्री मंदिर के प्रांगण में जहां हम अभी दर्शन करते हैं विमला जी का भी स्थापना हुआ, पुनः स्थापना। और भगवत्पाद आदि शंकराचार्य के आदेश के अनुसार, उपदेश के अनुसार, उभय जगन्नाथ जी चतुर्धा विग्रह का और विमला जी का पूजा पद्धति व्यवस्थित हुआ और ये 100-100 साल, 1000 साल चला आ रहा है अब तक अखंड रूप से। जब भगवत्पाद आदि शंकराचार्य चतुर्धा विग्रह और विमला देवी का मंदिर के प्रांगण में जहां अभी हम दर्शन करते हैं जब स्थापना किया, उसी वक्त उन्होंने इस पवित्र स्थान में गोवर्धन पीठ का भी प्रतिष्ठा किया और इस गोवर्धन पीठ में गोवर्धन नाथ, श्री जगन्नाथ, अर्धनारेश्वर और विमला जी का भी प्रतिष्ठा किया और अपने जो पट शिष्य वरिष्ठ शिष्य पद्मपादाचार्य को प्रथम शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त किया। जगन्नाथ जी के मंदिर में विमला जी का उपासना तंत्र पद्धति में प्रचलित है, प्रतिष्ठित है और मठ में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य के समय से वैष्णवी रूप में परंपरा प्रतिष्ठित है। अखंड रूप से यहाँ पे विमला जी का पूजा अर्चना चला आ रहा है पर विमला जी मठ में जिस स्थान पे हैं, शंकराचार्य जी के जो गद्दी घर है, पीठ है, उस स्थान में प्रतिष्ठित हैं जहाँ पे भक्त लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गुरुदेव और जो पूजक हैं उनका वहाँ पे प्रवेश है, हो सकता है परंपरा के अनुसार। तो भगवती विमला का शायद आदेश हुआ कि सब मठ में भी मेरा दर्शन करें। तो जैसे आपने जितेंद्र महापात्र से सारा जिसके बारे में सूचना आपको
उसको प्राप्त हुआ। ये वास्तव में विमला जी का ही इच्छा, जगन्नाथ जी का ही इच्छा, और उसके माध्यम बने जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद। क्योंकि ये जो भगवत कार्य होता है ये वास्तव में किसी मनुष्य के माध्यम से नहीं होता है, ये भगवत इच्छा और आदेश किसी महापुरुष के माध्यम से ही प्रकट होता है, तब ये संभव होता है। और जैसे हम पहला दिन कह रहे थे मोहन भागवत जी हैं, हम सूचना देना चाहते हैं, यहाँ जो हम बैठे हैं यहाँ पे कुछ नहीं था, और उस तरफ जहाँ मठ के निर्माण हुए हैं वहां पे भी करीब करीब जब गुरुजी पधारे खंडर ही खंडर था, और पूर्व समय में जितना भी मठ का संपत्ति था, बहुत संपत्ति थी, वो सब इधर उधर बिखर गया और करीब पर रह गया ये जो स्थान है। और ये भी स्थान में बहुत ही परिस्थिति गंभीर थी, ये भी रहेगा कि नहीं इसमें भी प्रश्न चिन्ह था। तो जगन्नाथ जी का कृपा आशीर्वाद, भगवत पाद आदि शंकराचार्य का कृपा, गुरुदेव के माध्यम से इसका पुनरुद्धार संभव हुआ। तो उधर तो मठ के जो भी आवश्यक कक्ष हैं निर्माण हो चुका था, पर ये 5 साल में ये जो भूमि है ये जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत था, और उधर जो सरोवर देख रहे वहां पे एक खड्डा था है, तो कुछ भी नहीं था। ये भगवत्पाद शंकराचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और शुद्ध संकल्प से ये संभव हो पाया, और अनेक भक्त लोग आगे आए, उनके नाम हम लोग अभी सुनेंगे और गुरुजी उनको संबोधित करेंगे। उन्होंने अपना निस्वार्थ और निष्ठा सहित श्रद्धा पूर्वक उन्होंने सेवा दिया 5 साल, जिसमें इसका परिवर्तन संभव हो पाया। विमला जी का मंदिर तो प्रमुख है, उसके साथ साथ जो प्रवेश द्वार नया बना, गोवर्धन मठ का सूचना केंद्र नई बनी, यहाँ पे पीछे हमारा अन्नपूर्णा भोजन कक्ष मंडप बना इत्यादि, तो ये संपूर्ण परिवेश परिवर्तन हुआ। और इसका जो पीछे एक महत्व उद्देश्य है कि गोवर्धन मठ इस पीठ जो केवल पूरी और उत्कल प्रदेश के नहीं, समग्र भारत और विश्व का सनातन वैदिक धर्म का मूल पीठ है, इसका पुनरुद्धार, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि ये आप सबका पीठ है। आप ये सोचिए मत कि पूरी वासी या उत्कल वासी में सीमित रहेगा, ये नहीं, समग्र विश्व में जितने सनातन वैदिक धर्म के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, सबका कर्तव्य है इस पीठ के प्रति। तो आइए सब मिलके इस पीठ का उज्जवल भविष्य निर्माण करें, क्योंकि इस पीठ के माध्यम से ही सनातन वैदिक धर्म का सुरक्षा संभव है। अगर ये पीठ लुप्त हो जाएगा तो सनातन वैदिक धर्म किस पे टिकेगा, क्या आधार होगा? तो सनातन वैदिक धर्म जो सनातन है वो बीच में भौतिक संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से कुछ नीचे की तरफ गति कर रही थी, पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी का शुद्ध संकल्प और निष्ठा से इसका पुनरुद्धार अभी हो रहा है। आइए इसमें हम सहयोगी बने, सेवा दें, बिना आपका सेवा आगे को जाना, जिस संकल्प से गुरु जी चाहते हैं हमको जाना वो संभव नहीं होगा। और इस पीठ के उद्धार से ही, उन्नति से ही समस्त विश्व में, केवल सनातन धर्म नहीं, समग्र विश्व में जितने भी मानव समाज है सबका कल्याण होगा। आज हमारे सम्मुख मोहन भागवत जी हैं, और गुरु जी का आदेश है कि उत्तम राष्ट्र, उत्तम देश, उत्तम समाज कैसे निर्माण हो सके, उस पर थोड़ा
आपसे हम उपदेश लेंगे, हमारे साधु संतों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किया और पिछले दो दिन में भी हम इसको श्रवण कर रहे हैं। तो ये सेवक का एक निवेदन है, ये हम सबको पता है कि उत्तम चरित्र से उत्तम मानव व्यक्ति और उत्तम व्यक्ति से ही उत्तम समाज, अन्यथा असंभव। और ये उत्तम चरित्र जो मूल है वो संभव है सिर्फ आध्यात्मिक, नैतिक, विद्या, शिक्षा और परिवेश से, अन्यथा असंभव है। भौतिक शिक्षा बाह्य शिक्षा है, आवश्यक है बाह्य परिवर्तन के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए। पर जब तक व्यक्ति अपने आप को पहचानता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति है कर्ता, अगर कर्ता में गड़बड़ आ गया तब ये सब व्यथा और व्यथा ही है, वृथा और व्यथा। जैसे कि रावण का साम्राज्य देखिए, श्रीलंका, सुवर्ण श्रीलंका, क्या कमी थी भौतिक दृष्टि से, पर हुआ क्या, क्योंकि मानवीयता का अभाव और सब असुर संप्रदाय, कर्ता में गड़बड़ी आ गई। आधुनिक विश्व में देखिए, हिटलर, जर्मनी के क्या प्रगति हो रही थी और आखिर में हुआ क्या, कर्ता गड़बड़ हो गया, व्यक्ति गड़बड़ हो गया, विनाश। तो कलयुग का तो प्रभाव है ही है। तो इसमें कैसे हम उत्तम चरित्र निर्माण करें, बच्चे